हाय सर, हाय मैम। हाय, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम सलीम अहमद है। आप क्या करते हैं? जी मैं उत्तराखंड के एक छोटे से कस्बे हल्द्वानी से आया हूँ और मेरे शहर का जिला पड़ता है नैनीताल। मैं देखना चाहता हूँ कि आपकी गायकी से हमारी नीति इम्प्रेस होती है। सर अगर कहें तो मैं आपको एक शेर सुनाता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। ईद के दिन सब मिलेंगे अपने अपने यार से, हम गले मिल मिल के रोएंगे दरो दीवार से। टूटा हुआ दिल हो उस पर कुछ दिखाएगा, टूटा हुआ एकदम। जी जी सर, रो रहा है दिल, है ना सर? बिल्कुल दर्द में लिपटा हुआ एक शेर जो मैं आपको सुना रहा हूँ। एक तुम ही सहारा हो मेरा जीवन की अंधेरी राहों में, एक तुम ही सहारा हो मेरा जीवन की अंधेरी राहों में, दुनिया की खुशी तकदीर का गम सब कुछ है तुम्हारे हाथों में। सर मैं पूरी कोशिश करूँगा कि नीति मैम खुश हो जाएं और खुश होकर मुझे सेलेक्ट करूँ, पूरी कोशिश करूँगा। वैसे भी नीति मैम मोहम्मद रफ़ी साहब को पसंद करती हैं, उनके गाने पसंद करती हैं, तो आज मैं नीति मैम के लिए मोहम्मद रफ़ी साहब का एक प्यारा सा गाना इनको सुनाना चाहूँगा सर, और उम्मीद करता हूँ कि इनको पसंद आएगा। डन, गाना आता है तुम। सर आपने मुझे हीरो कहा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बस मैं छोटी सी कोशिश कर रहा हूँ, छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा मैं और कुछ कर भी नहीं सकता। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि मैं कुछ कर सकता हूँ तो मैं आपके विश्वास को ठेस नहीं पहुँचाऊँगा, मैं करूँगा और ज़रूर करूँगा, और आपकी दुआओं के साथ करूँगा, और देखना आप रफ़ी साहब के नाम को और ऊँचा करूँगा और बुलंदियों तक लेकर जाऊँगा। लोग पसंद करेंगे मुझे भी और मुझ में रफ़ी साहब को देखेंगे, ये मेरा वादा है। इस मंच पर रफ़ी साहब के जितने भी फैन हैं तो सब तैयार हो जाइए मेरा सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकता। जैसा कि आपने देखा जजिस की मेरे बारे में क्या राय है, आपने सुनी है, मुझे बस कोशिश करना है और मैं अपनी कोशिश में कामयाब होने की पूरी कोशिश करूँगा, पर आपको मेरा सपोर्ट करना होगा। तो अगर मेरा सपोर्ट करेंगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। सर मैं यहाँ सेलेक्ट होने के लिए नहीं आया, मेरा इस मंच पर आने का सिर्फ एक ही मकसद है और वो है मेरे गुरु मोहम्मद रफ़ी साहब के गानों को पूरी दुनिया के बीच में पहुंचा देना, और ऐसा मैंने कर दिया है सर। ये मंच ऐसा है कि इस मंच से मेरी आवाज़, मेरा अंदाज पूरी दुनिया तक पहुंचेगा, और जो लोग भी मुझे सुनेंगे, मुझे देखेंगे, उन्हें 100% मोहम्मद रफ़ी साहब की याद आएगी। वो बात अलग है, मैं इस मंच से कुछ भी लेकर नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं इस मंच को बहुत कुछ देकर जाऊंगा, ये मेरा वादा है सर, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं इस मंच से वो कर जाऊं कि दुनिया मुझे याद रखे, और उम्मीद करता हूं कि लोग मुझे पसंद करेंगे, बिल्कुल पसंद करेंगे।